बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंसदानों से ज्यादा दिमाग लगा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिक्स के एक्सपर्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया और इसकी वजह से ही उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था, इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जला कर राख कर दिया जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानना था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी, कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे का पता चला कि उसने आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया है तो उसको जॉब से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। डॉक्टर हार्वे पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया चले गए जहां उन्होंने ब्रेन की कई तस्वीरें बनाई, फिर इस ब्रेन को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हर एक टुकड़े को अलग अलग जार में प्रिजर्व कर लिया। फिर डॉक्टर हार्वे दिमाग लेकर विचिटा चले गए और वहाँ बायोलैब में नौकरी कर ली। ब्रेन पर रिसर्च करते रहे और स्टडी करते रहे। कई साल गुजर गए लेकिन डॉक्टर हार्वे कुछ खास मालूम न कर सके, उल्टा अपना मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा बैठे। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर हार्वे को एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, लिहाजा उन्होंने ऐसे ही किया। 30 साल बाद 1985 में एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक न्यूरोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की। इनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल भेजता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों के लेफ्ट ब्रेन के पास बोलने, समझने और लिखने वाले कामों की जिम्मेदारी होती है। राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानना, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कलोसम का क्या काम होता है। फर्ज करें आप की बोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, उस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग कर रहे होते हैं। कुछ अल्फाज हमारा लेफ्ट हाथ टाइप कर रहा है और कुछ हमारा राइट हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हाथ से कोई गलती हुई, आपने फौरन अपना राइट हाथ इस्तेमाल करके बैक स्पेस को प्रेस करके इस गलती को दुरुस्त किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज से कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कलोसम कहते हैं और आइंस्टाइन का ये हिस्सा आम इंसानों से काफी बड़ा था, यानी आइंस्टाइन के दिमाग के दोनों हिस्सों का आपस में कनेक्शन बहुत मजबूत था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी पेचीदा मसाइल और सिचुएशंस को आसानी से हल कर सकते थे। कॉर्पस कलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन का ब्रेन पैटर्न भी आम इंसानों के दिमाग से काफी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है इसकी कैलकुलेशन की ताकत काफी मजबूत है। आइंस्टाइन
मैथमेटिक मसाइल को बगैर लिखे अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व कर लेते थे। न्यूरॉन्स की फ्लो ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्चर्स बताते हैं। जब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके दिमाग की लाइनें काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। आइंस्टाइन का दिमाग पदेशी तौर पर ऐसा नहीं था, बल्कि बाद में खुद ब खुद ऐसा बनता गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल आफेक्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। अस्सलाम।